हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस समय गोकुलधाम मेंबर्स के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, यानी के पानी की समस्या, जिसे गोकुलधाम के मेंबर्स जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने वाली स्टोरी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हमने रिसेंट एपिसोड में देखा कि यहाँ पर गोकुलधाम के सभी निवासी उस जगह पे, यानी कि उस सोसाइटी में पहुँच चुके हैं जहाँ पर के पानी का टैंकर आने वाला है। और जैसे ही उस सोसाइटी के अंदर पानी के टैंकर की एंट्री होती है, तो जितने भी गोकुलधाम के मेंबर्स हैं और बाकी सोसाइटी के लोग हैं, सभी लोग उस पानी के टैंकर ऊपर ऐसे कूदते हैं जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है। और यहाँ पे ये बात कहना भी इस समय गलत नहीं है कि गोकुलधाम मेंबर्स के लिए पानी किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि इस समय जब गोकुलधाम सोसाइटी में पानी नहीं है तो गोकुलधाम मेंबर्स को उसकी अहमियत समझ में आ रही है। लेकिन भाई, अब आने वाली स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर चंपकलाल जो है वो उस पानी को लेने के चक्कर में भीड़ भाड़ में दबकर एक बाल्टी में फंस जाएंगे, जिसके बाद देखते हैं कि आखिरकार गोकुलधाम के मेंबर्स चंपकलाल को उस बाल्टी से बाहर कैसे निकालते हैं और उसमें हमें कौन कौन से नए फनी सीन देखने को मिलते हैं। फिलहाल गाइस, आप बताइए कि आप भी तारक मेहता की इस स्टोरी को काफी एंजॉय कर रहे हैं। इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।